दोस्तों, आज मैंने आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। इसमें हमने कुछ ऐसा मसाले यूज़ नहीं किए हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल ना हो, मैंने वही मसाले यूज़ किए हैं जो हमारे घर पर अवेलेबल है। देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। ये प्याज और भिंडी की मैंने सब्ज़ी बनाई है, देखिए दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और बच्चों को तो भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने न्यू तरीके से अपनी बेटी के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर कीजिए आगे और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सब्ज़ी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी, सो यम्मी। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी, मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं हमारे भिंडी की रेसिपी कैसे बनती है। हमें यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। इस भिंडी को बनाने के लिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने यहाँ थोड़ा वन चम्मच ऑयल ले लिया है, और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। आपको भिंडी को इस तरीके से लंबे लंबे साइज़ों में कट कर लेना है, और बीच में एक कट लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप सारी भिंडियों को कट कर लीजिए। और यहाँ हमारा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं अपनी भिंडी फ्राई करूँ। हमें भिंडियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, हल्का सैलो फ्राई कर लेंगे हम भिंडियों को। ये बिल्कुल भिंडी की अलग एक सब्ज़ी है। ये देखिए दोस्तों, मैं इन भिंडियों को फ्राई कर लूँगी, सैलो फ्राई कर लूँगी अच्छे से। 3 से 4 मिनट के लिए हम इन भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी भिंडी फ्राई हो रही है, हम इन्हें 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये मेरी भिंडियाँ यहाँ रेडी हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में हमें ऑनियन अपने फ्राई कर लेने हैं। ये मैंने बड़े बड़े साइजेस में ऑनियन कट किया है, मैंने यहाँ पे 1 ऑनियन लिया है, और इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपको और ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ऑनियन के स्लाइसेस निकाल के इसे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारी ऑनियन फ्राई हो चुकी है, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये इन्हें मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसी कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसे गर्म होने। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डाल देंगे। इसमें मैंने यहाँ पे 1 ऑनियन रफली कट कर लिया है, इसे मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमें ऑनियन को लाइट ब्राउन होने तक पका लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली लिए, और इसमें क्रश करके मैंने गार्लिक डाला है। आप चाहे तो गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने गार्लिक को क्रश करके यूज़ किया है। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला ऑलमोस्ट डन है। इसमें मैं 1 टमाटो ऐड करूँगी, इसे मैंने छील लिया टमाटो को और लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इस टमाटो को हम अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटो की प्यू ही यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे टमाटो यूज़ किया है। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल लूँगी ताकि हमारे टमाटो जल्दी से पक जाए। सॉल्ट डालने से हमारा मसाला जल्दी रेडी हो जाता है। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा और सॉल्ट यूज़ करूँगी इसे अच्छे से। दोस्तों, हमारे टमाटर गलने स्टार्ट हो गए, मैंने इसमें नमक डाल दिया था 1/2 टीस्पून,
और हमें टमाटर को ऐसे मैश कर लेना है। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैं लिटिल बिट हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर यूज़ किया है। और मैं अपने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके मसाले लगे नीचे से या जले तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा वाटर यूज़ कर रही हूँ और इन मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। हम इस मसाले को अच्छे से इसमें से पानी को सुखा लेंगे। और मसाला डन हो गया है। अब इसमें हम जो हमने भिंडी और ऑनियन फ्राई किए थे उन दोनों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी, क्योंकि हाफ हमने इसे फ्राई करके पका लिया था। और ये सब्ज़ी देखने में कितनी ज़्यादा लजीज लग रही है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट। ये एक बार चेक कर लेते हैं भिंडियों का मसाला। ये देखिए दोस्तों, हमारी भिंडियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। हमें इन्हें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ये दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।